हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल इट्स वेट सीरीज टुडे आई स्टार्टेड माय विद अ प्लेन वाटर तो आज है वेट 51.8 और डे वन पे वेट था 53.8 तो एक तरह से 15 डेज में 2 के कम हो गया इसी डाइट से अभी मैं कर रही हूँ मेरे ब्रेकफास्ट की तैयारी और मैं यहाँ बना रही हूँ जुकीनी की सब्ज़ी जुकीनी को अच्छी तरीके से वॉश करके पील करके इसको मैं छोटा छोटा कट कर रही हूँ और ये सिंपल सी रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा सिंपल सब्ज़ी बनेगी ज़्यादा तेल मसाला कुछ भी यूज़ नहीं किया है तो एक कढ़ाई में बस मैंने इतना सा ही तेल डाला है सिर्फ इतने से तेल में हम सब्ज़ी बनाएंगे तेल गर्म हो जाने पर उसमें ज़ीरा और प्याज और मिर्ची डाली है अच्छे से भून जाने पर बहुत ही बेसिक मसाले डाले हैं जैसे कि नमक हल्दी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर वो भी बहुत कम कम डाला है जुकनी को अच्छी तरीके से मिक्स करके मैंने इसको ढक के रख दिया था पकने के लिए पूरी प्रोसेस में सब्जी की मैंने इसकी फ्लेम जो है वो एकदम लो रखी है और बनने के बाद बस ऊपर से थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूंगी एंड देट सेट बस इतना सा ही है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता अगर आपको थोड़ा बीच में लग रहा है तो आप पानी ऐड कर सकते हो अभी सब्जी बनने में थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा एक छोटू सा ऑरेंज खा लेते हैं क्योंकि भूख लग गई थी बारह ऑलरेडी भर चुके थे तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा ऑरेंज खा रही थी और हाँ मैं इंटरमीडियंट फास्टिंग पर हूँ तो मैं अपना बारह बजे जो है ब्रेकफास्ट करती हूँ और रात को आठ बजे तक डिनर कर लेती हूँ एट घंटे की मेरी ईटिंग पीरियड रहता है प्लान तो सिर्फ जुकी की सब्जी खाने का था लेकिन थोड़ी रोटी की भी क्रेविंग हो गई थी तो मैंने सोचा गेहूं की रोटी की जगह हम रागी की रोटी खा लेते हैं तो एकदम छोटी सी रोटी बनाई है मैंने इसकी रागी जो है ग्लूटन फ्री होता है वो अच्छा ऑल्टरनेट है बीट का तो रोटी का साइज़ एकदम मेरी हथेली जितना ही है छोटी सी रोटी है और एकदम मैंने करारी करारी से बनाई है क्योंकि ऐसा खाने का बहुत मन कर रहा था ये जली नहीं है ये मैंने जान के ही इस तरह से बनाई है एकदम करारी करारी सी रोटी ऊपर से थोड़ा सा घी लगाया है मिड मॉर्निंग और मैं ये कैरेट बीटरूट जूस ले रही हूँ कैरेट जो है बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन ए का और बीटरूट जो है वो रिच है फाइबर आयरन विटामिन सी विटामिन बी नाइन मैग्नीशियम पोटेशियम तो ये हार्ट के जितनी भी रिस्क होते हैं हार्ट डिसीजेज़ के उनसे प्रिवेंट करेगा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है आई विजन के लिए बहुत ही अच्छा है जिस जिनकी हीमोग्लोबिन की कमी है आयरन की डिफिशेंसी है उसके लिए बहुत ही अच्छा है और वेट मैनेजमेंट में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है है, तो आप इसको रोज ले सकते हो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है या फिर कभी कभी इसको जरूर अपनी डाइट में शामिल तो हो गया लंच का टाइम मैंने लिया है प्लेट फुल ऑफ सैलड जिसमें मैंने किम्बर और टमाटो लिया है और ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला है बस और साथ में लिया है एक कटोरी दही दही में जो होते हैं गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है तो कम से कम दिन में एक बार तो दही या लस्सी लेनी ही चाहिए इवनिंग में तीस मिनट वॉक करके आने के बाद मैंने एक कप ग्रीन टी लिया और एक छोटा सा एक खजूर का टुकड़ा लिया है ये एक्चुअली टाइट वाला खजूर है मुझे नहीं पता ऐसे बहुत सारी वैरायटी आती है खजूर की मुझे एक्चुअली यही दिखा था एक मार्ट में तो मैं यही ले आई थी पर मुझे अच्छा नहीं लगा ये तो डिनर के लिए मैंने लिए है दो पालक की रोटी और आलू प्याज की सब्जी ये पालक की रोटी की रेसिपी मैं शेयर करूंगी पे आप खा के देखना ये इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि आपको कि आपको लगेगा ही नहीं आप डाइट कर रहे हो मतलब डाइट का खाना भी इतना टेस्टी हो सकता है बहुत ही ज्यादा यमी बनती है ये तो दिन का एंड किया है इस रिलैक्सिंग हर्बल टी के साथ में आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर बाय गाइज